तो चलिए शुरू करते हैं। फिर मुझे यहाँ होठों पर उंगली रख बोली, यहाँ मुझे किसी की, फिर यहाँ भी किसी की गले पर इशारा कर कहा, जहाँ समय के दिए हुए लव बाइट के निशान थे। तापसी अपना निचला होठ बाहर निकाल समय की शिकायत करते हुए आगे बोली, दादा वो बहुत बुरे है, पहले मुझे बाइट करते हैं, फिर वहीं पर अपनी गीली जीभ फिराते हैं, और वो मुझे यहाँ चूसते भी है, जब मैं मना करती हूँ तो वो बोलते हैं ये सब उनका है, लेकिन दादा ये तो मेरा है, तो फिर ये उनका कैसे हुआ, और दादा उन्होंने मुझे ना। वो आगे कुछ बोलती उसे पहले वरुण राहुल अपने कान पर हाथ एक साथ चिल्ला के बोले, बस दोनों इतनी तेज चिल्लाए कि तापसी डर गई, उसने अपने हाथ कान पर रख दिए। तापसी की बातें सुन राहुल वरुण के चेहरे कान लाल हो चुके थे, उनका मन कर रहा था जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उनकी मासूम सी गुड़िया उनको वो बातें बता रही थी जो उसकी और समय की प्राइवेट है, लेकिन इसमें हमारी मासूम तापसी की भी क्या गलती, उसे कहा इन सब के बारे में पता है, उसका बचपन ही ऐसी जगह पर बिता है जहां उसे हर चीज से दूर रखा गया था, वो तो कभी मूवी भी नहीं देखती, तो उसे इन सब के बारे में कहां से पता होगा। बचपन से लेके अब तक उसने सिर्फ कार्टून देखा है, वो भी वही जो उसके भाई ने दिखाया है, वो भले ही उम्र से हाइट से बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसका दिमाग आज भी बच्चों जैसा मासूम है। राहुल ने उसे हमेशा बच्चे जैसे ट्रीट किया है, तापसी को खतरों से बचाने उसे दुनिया से छुपा के उसे बड़ा किया, जैसे उसके डैड मोम ने कहा था। राहुल के मोम डैड ने मरने से पहले तापसी की एक सच्चाई राहुल को बताई थी, जिसे सुन राहुल को ज्यादा तो कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो खुद काफी छोटा था। उसे सिर्फ एक बात समझ आई थी कि तापसी एक खास लड़की है, उसे दुनिया से बचा के रखना है। राहुल ने अपने मोम डैड से कई बार पूछा भी था कि ऐसा क्या है, उसकी बहन में जिसे दुनिया से बचाना है, लेकिन उसके डैड ने कहा था जब सही वक्त आएगा अपने आप सब सामने आ जाएगा। राहुल अपने अपने मोम डैड की बात मान तापसी को बाहरी दुनिया से अलग रख बरा किया। राहुल जहां अपनी ट्रेनिंग पर जाता वहां तापसी को साथ लेके जाता। तापसी अपने दादा की हर बात बिना कुछ बोले मान लेती उसकी मासूमियत देख। राहुल को बचपन से उसकी फिक्र रहती थी कि कहीं कोई उसकी मासूमियत का फायदा ना उठा ले। अब आप सब सोच रहे होंगे कि तापसी जिसके साथ रहती थी, जिसे वो मोम डैड बुलाती है, वो कौन है, तो बता दूं वो राहुल तापसी के रियल मोम डैड नहीं है। वो कौन है क्या है सब आपको आगे पता चलेगा। तापसी के करीब जो पहला लड़का आया है वो समय है, सिद्धार्थ के साथ तापसी की मुलाकात से लेके उसकी सगाई की बात तक सब वरुण के प्लेन का एक हिस्सा है। वरुण तापसी के बारे में पहले जानता था कि वो कौन है और किसकी बहन है, इसलिए वरुण ने राहुल के साथ मिलके ये प्लेन बनाया तापसी को समय के पास भेजने का एक तरीका जो वरुण को सही लगा। बचपन में भी एक समय ही था जिसके करीब तापसी रहती थी और किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी, या यू भी कह सकते हैं हमारा डेविल समय किसी भी लड़के को तापसी के करीब आने ही नहीं देता था। समय बचपन से तापसी के लिए ओवर से भी ओवर पजेसिव रहा है। समय को उसे जुड़ी हर चीज खुद से जुड़ी पसंद थी, वो यही चाहता था कि तापसी की हर चीज उसे जुड़ी हो। वो बचपन से तापसी को पूरी तरह अपने अंदर छुपा के रखता था, जैसे वो दो नहीं एक हो। समय तापसी को वरुण राहुल से भी काफी कम मिलने देता था। एक्विला में होके भी राहुल अपनी बहन को देखने के लिए तरस जाता। 5 साल जब तक राहुल तापसी को लेके चला नहीं गया तब तक तापसी समय की कैद में रही थी। समय ने उसे कभी दूसरों के सामने नहीं आने दिया। उसकी पाय खेलना घुमाना सब कुछ समय ने अपने बड़े चाचा से के विला में ही तैयार करवाया था। उसकी पढ़ाई समय ही करवाता, उसने किसी भी टीचर को रखने से मना कर दिया था। तापसी के बचपन के 5 साल समय के विला में कैद होके बीते थे। वो कहीं भी विला से बाहर जाने की जिद करती तो समय उसे प्यारे या फिर डरा के मना कर देता। समय तब भी तापसी को अपनी गुस्से से लाल आंखों से डरा के चुप करा देता, तो कभी लाल कमरे का दर दिखा के तब भी हमारी तापसी इतनी ही मासूम भोली थी जितनी आज है। हमारी भोली सी तापसी अपने दोनों भाई को समय की हरकत बता रही थी। वो काफी भोली है, वो तो अपने दादा से समय
की शिकायत कर रही थी कि उसने कैसे और कहा उसे किसकी। उसे सच में पता नहीं था कि वो अपनी और समय की प्राइवेट बातें उनको बता रही है। वरुण के कान गाल इतने हो गए कि उसने तो अपना चेहरा ही घुमा लिया। तापसी कान पर हाथ रखे हुए क्यूट सा फेस बना के बोली, दादा आप दोनों कितनी जोर से चिल्लाए। क्यूटी डर गई। राहुल तापसी को घूर के, क्यूटी आपको पता है आपने अभी क्या क्या बोला है। तापसी मासूमियत से हाँ में सर हिला के, दादा मैंने कहा उन्होंने मुझे यहाँ 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 बाइट किया और यहाँ सक भी किया, वो भी बहुत। तापसी आगे बोलती, उसे पहले वरुण। राहुल फिर से चिल्लाए, बस बस क्यूटी पाई, वरना हम दोनों ने बात अधूरी छोड़ दी। राहुल थोड़ा गुस्से में तापसी को समझाते हुए, क्यूटी बच्चा आप मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, आप कभी भी अपनी और उसकी बातें हमें नहीं बताओगी, हमें क्या किसी को भी नहीं बताओगी। जो भी तुम्हारे और उसके बीच में होता है वो तुम्हारी पर्सनल बात होती है, आप मेरी बात समझ गई। तापसी कुछ बोलती उसे पहले वरुण राहुल को घसीट के वहां से ले जाते हुए बोला, क्यूटी पाई हम अभी आते हैं, आप आराम करो। राहुल तापसी को घूर के, क्यूटी आपको पता है आपने अभी क्या क्या बोला है। तापसी मासूमियत से हाँ में सर हिला के, दादा मैंने कहा उन्होंने मुझे यहाँ 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 बाइट किया और यहाँ सक भी किया, वो भी बहुत। तापसी आगे बोलती उसे पहले वरुण। राहुल फिर से चिल्लाए, बस बस क्यूटी पाई, वरना हम दोनों ने बात अधूरी छोड़ दी। राहुल थोड़ा गुस्से में तापसी को समझाते हुए, क्यूटी बच्चा आप मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, आप कभी भी अपनी और उसकी बातें हमें नहीं बताओगी, हमें क्या किसी को भी नहीं बताओगी। जो भी तुम्हारे और उसके बीच में होता है वो तुम्हारी पर्सनल बात होती है, आप मेरी बात समझ गई। तापसी कुछ बोलती उसे पहले वरुण राहुल को घसीट के वहां से ले जाते हुए बोला, क्यूटी पाई हम अभी आते हैं, आप आराम करो। दोनों वहां से ऐसे गायब हुए जैसे कोई जादूगर ने उनको जादू से गायब किया हो। ये सारी चीजें कोई देख श्यानी स्माइल कर रहा था। एक बड़े से केबिन में एक आदमी शेर के मुंह वाली किंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे में फोन, सामने लैपटॉप पर तापसी का लाइव वीडियो चल रहा था जिसे वो आदमी सिगरेट की कष्ट लेते हुए देख रहा था। उस आदमी के चेहरे पर एक श्यानी स्माइल थी जिसे कोया देख ले तो वहीं बेहोश हो जाए। आदमी लैपटॉप पर धुआं छोड़ के बोला, बटरफ्लाई 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 तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, आज रात तुम पूरी तरह मेरी बन जाओगी, मैं तुम्हें बिस्तर से उठने लायक नहीं छोड़ूंगा, ये तुम्हारे डेविल का प्रोमिश है। ये आदमी और कोई नहीं हमारा डेविल विलन समय मल्होत्रा है। समय ने अपने विला में खुफिया कैमरे लगाए हैं जिसकी लाइव फुटेज हमेशा अपने फोन से लैपटॉप से कनेक्ट होती है। अभी तापसी ने जो कुछ भी किया वो सब समय ने अपने लैपटॉप देखा और सुना। समय आंखें बंद अपनी चेयर के पीछे सर टिका के दूसरी सिगरेट निकाल पीने लगा। उसी वक्त केबिन के बाहर से किसी ने नोक किया। समय बिना आंखें खोले बोसी टोन में, कम एक 25-26 साल का लड़का ब्लू शर्ट ब्लैक जींस में अंदर आया। उसने समय को पहले ग्रीट किया, फिर अपने साथ लाई फाइल समय के सामने रखी। लड़का समय का पर्सनल असिस्टेंट मिहिर था। समय बिना आंख खोले कब आने वाली है, मिहिर ने कहा। एस एम मूर्ति कल सुबह 4 बजे आने वाली है, हमारे आदमी ने इन्फॉर्म किया है कि उस मूर्ति के पीछे और भी लोग पदे हैं, उसमें से एक नाम आफ्ताब अली का है। समय अपना हाथ गर्दन के पीछे फेर श्यानी हंसी हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी जिसे सुन मिहिर के सर पर पसीना आ गया। उसकी रीढ़ की हड्डी भी डर से कांप गई। उसे अच्छे से पता था समय की हंसी का मतलब हमेशा खतरनाक हुआ है, किसी को बेरहम मौत मिली है या फिर किसी की दर्दनाक सजा। समय बोसी टोन में, मिहिर तुम मेरे साथ कितने साल से काम कर रहे हो। मिहिर अपना दर छुपा के, बोस 8 साल से। समय तिरछी स्माइल कर, इतने साल काम करने के बाद भी तुम मुझे अब तक समझ नहीं पाए। मिहिर सर झुका के, बोस आपको समझने के लिए एक जन भी कम पड़ेगा, आप कब क्या करते हो समझ पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। समय फोन को गोल गोल घुमा के तिरछी स्माइल कर, हम ये भी सही है। मिहिर जेब से रुमाल निकाल अपना पसीना पोछे के, बोस वो मूर्ति तो हमें मिल जाएगी, फिर आप उसे अफगानिस्तान भिजवा सकते हैं।
मूर्ति अफगानिस्तान नहीं जाएगी, समय ने सीधा मना करते हुए कहा। मेहर समय की बात सुन हैरान होके, लेकिन बोस आपने ही तो मिस्टर सिद्दीकी से मूर्ति का सौदा किया था, वो हमें मूर्ति की दुगनी कीमत और कसीनो के लिए कुछ खेल के पार्ट देने वाले हैं। सौदा बहुत बड़ा है, इसे हाथ से जाने देना सही नहीं होगा। आपने क्या उसे बड़ा सौदा किसी और के साथ किया है, मेहर ने सवाल पूछते हुए कहा। समय मेहर की बात को पूरी तरह इग्नोर कर लैपटॉप पर नजर टिका के कहा, वो मूर्ति मैंने अपनी बटरफ्लाई के लिए पसंद कर ली, अब वो मेरी बटरफ्लाई के पिंजरे में जाएगी जहां मेरी मासूम सी बटरफ्लाई उसे खेलेगी। समय की बात सुन मेहर का तो मानो सोकत ही लग गया। उनका बोस जी से पूरा अमेरिका अंधवल डरता है, जी से पैसों के अलावा कुछ दिखता नहीं, वो इतनी बड़ी डील को कैंसल कर रहा है। मेहर को समय की बात गले से नहीं उतर रही थी, उसे लगा समय मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने समय की आगे की बात सुनी उसका तो मानो दिमाग की चकरा गया। समय ने आगे कहा, ऐसा क्या कहा जी से सुन मेहर को सोकत के बाद सोकत लगा, जानने के लिए कहानी से जुड़े रही यह सोरी में थोड़े दिन एपिसोड छोटे डालूगी, क्योंकि मेरे भाई की शादी है और घर पर बहुत काम है, लेकिन एपिसोड रोज मिलेगे ये मेरा वादा है। समय लैपटॉप की स्क्रीन पर उंगली फिरा के सनक भरी आवाज में बोला, मेरी बटरफ्लाई पूरा दिन पिंजरे में अकेले रह के बोर हो जाएगी, उसके पास खेलने के लिए मैं नहीं रहूंगा तो वो किसके साथ खेलेगी, इसलिए सोच रहा हूँ वो मूर्ति मेरी बटरफ्लाई को दे दूं, मैं दूर रहूंगा तो वो उसके साथ खेलेगी। मेहर आंखें फाड़े समय को देख रहा था, उसका बोस पागलों जैसी बात जो कर रहा था। मेहर ने हैरानी से कहा, बोस वो मूर्ति 500 मिलियन डॉलर की है, ऊपर से उसमें जो स्टोन है वो 1000 मिलियन डॉलर का है, आप उस नायाब मूर्ति को एक बटरफ्लाई के पिंजरे में रखने की कैसे सोच सकते हैं। मेहर को लगा बटरफ्लाई कोई विदेशी पंछी होगा जिसकी बात समय कर रहा होगा, उसे कहा पता था कि जिसकी बात समय कर रहा है वो एक लड़की है, लड़की भी कोई मामूली नहीं, वो उसके बोस की सनक है। समय ने मेहर के मुंह से जैसे ही बटरफ्लाई सुना उसका ओरा एक पल में बदल गया, उसकी आंखों में आग जलने लगी। मेहर समय का ओरा डार्क होते देख डर गया, उसे लगा उसने कुछ गलत बोल दिया। समय मेहर को गुस्से में घूर के कोल्ड वॉइस में बोला, मेरी बटरफ्लाई का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। समय ने मेहर के मुंह से जैसे ही बटरफ्लाई सुना उसका ओरा एक पल में बदल गया, उसकी आंखों में आग जलने लगी। मेहर समय का ओरा डार्क होते देख डर गया, उसे लगा उसने कुछ गलत बोल दिया। समय मेहर को गुस्से में घूर के कोल्ड वॉइस में बोला, मेरी बटरफ्लाई का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मेहर समय की आवाज सुन बुरी तरह डर से कांपने लगा। मेहर कांपती आवाज में, बोस सा सोरी का गलती हो गई, समय पहली और आखिरी गलती समझ के छोड़ रहा हूँ, अगली बार मेरी बटरफ्लाई का नाम तुम्हारी जुबान से निकला तो तुम्हारी जुबान तुम्हारे मुंह से बाहर निकाल लूगा, वो तुम्हारी लेडी बोस है, अगली बार नाम लेने से पहले सोच लेना। मेहर समय के मुंह से लेडी बोस सुन तुरंत समय के पैरों में गिर के बोला, बा बोस सॉरी, मुझे लगा था आप किसी पंछी की बात कर रहे हो, इसलिए मुझसे गलती हो गई, मैं कभी मैडम को उस नाम से नहीं बुलाऊंगा। समय मेहर को खड़ा होने का बोल, अब फालतू टाइम वेस्ट मत कर और जाके अपनी मैडम के लिए मूर्ति लेके आओ, मेरी बटरफ्लाई अकेली बोर हो रही है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, बाकी सब मीटिंग तुम देख लेना। समय मेहर की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर उसे अपने पैरों से खड़ा होने को बोल, खुद चेयर से खड़ा होके अपना ब्लेजर ठीक करते हुए बोला, अब फालतू टाइम वेस्ट करना बंद कर और जाके अपनी मैडम के लिए मूर्ति लेके आ, मुझे कल तक वो मूर्ति चाहिए, वरना अपना सामान पैक कर लेना। सामान पैक सुन मेहर ने क्यूरियस होके पूछा, क्यों बोस हमें कहीं जाना है क्या। समय बिना एक प्रयासन उसे देख के, मैं नहीं, तुम जाओगे वो भी शिकागो, अगर कल तक मुझे मूर्ति नहीं मिली तो तुम यहाँ से सीधा शिकागो जाओगे वो भी कल की फर्स्ट फ्लाइट से। समय के मुंह से शिकागो सुनते ही मेहर की आंखें फटी की फटी रह गई, डे से बाहर आ जाएगी मेहर, शिकागो सुनते ही डर से कांपने लगा। समय बिना उसकी ओर देखे अपना मोबाइल उठा के जेब में रख बोला, मेरी बटरफ्लाई हिल में अकेली बोर हो रही है, मैं
उसके पास जा रहा हूँ, बाकी सब मिट्टी तुम देख लेना और कोई भी काम हो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। समय इतना बोल केबिन से निकल गया। मेहर उसकी बात सुन अभी भी सोकत होके वैसे ही खड़ा रहा। उसका मुंह अभी तक खुला हुआ था। हेल विला, तापसी सुबह से शाम तक पिंजरे में बैठे बैठे बोर हो चुकी थी। उस केब में उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बार बार अपने भाई को आवाज लगा के उसे बात करने को बोल रही थी। राहुल वरुण भी विला की सफाई करते हुए उसे बात कर रहे थे। जिसे उसकी बहन बोर ना हो, उसे अकेला फील ना हो। समय ने उन दोनों को जो सजा दी थी उसमें खाना बनाने के साथ साथ विला का बाकी काम करने की भी थी। जैसे सफाई करना, गार्डन में पड़ों को पानी देना और भी छोटे मोटे काम। राहुल हॉल की सफाई करते हुए तापसी के पिंजरे से दूरी बना के उसे बात कर रहा था। वही वरुण इस वक्त गार्डन के काम कर रहा था। दोनों ने अपने काम आपस में बात लिए, जिसे दोनों को तापसी से बात करने का वक्त मिले। दूसरी ओर समय कार में किसी से फोन पर बात कर रहा था। बात करते वक्त उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल थी। समय मेरी जानू क्या कर रही है। दूसरी ओर एक लड़की की प्यारी सी आवाज आई, जाना आप कब मेरे पास आओगे। जानू आपको बहुत बहुत मिसी कर रही है। जानू आप बहुत जल्द मेरे पास होगी, मैं अपनी जानू को लेने जल्दी आऊंगा, तब तक आप अफान के साथ रहो, वो आपका पूरा ध्यान रखेगा। समय ने लड़की को प्यार से समझाते हुए कहा। लड़की से बात करते हुए समय बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी आवाज, बोलने का तरीका सब कुछ बदल चुका था। जो समय कुछ वक्त पहले ऑफिस में था और जो अब कार में है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। पहले जो समय था वो किसी राक्षस की तरह लग रहा था और अब किसी प्यारे लड़के की तरह। कुछ वक्त पहले जिस चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, अब उसी चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी, जिसे आज तक काफी कम लोगों ने देखा है। समय का ये रूप अफान राघव के अलावा किसी ने नहीं देखा था। दोनों समय के सबसे खास आदमी में से एक थे। समय की कार में आज ड्राइवर की जगह पर राघव ड्राइव कर रहा था, क्योंकि समय ने ही ड्राइवर को पीछे की कार में आने को कहा, क्योंकि उसे उस लड़की से बात करनी थी जो वो ड्राइवर के सामने नहीं करना चाहता था। लड़की समय की बात सुन खुशी से चहकती आवाज में बोली, सच्ची जाना आप जानू को लेने आओगे। समय मुस्कुरा के, हाँ जानू आपके जाना आपको लेने आएगे और अपने पास रखेंगे। लड़की हंसते हुए, जानू जाना के पास रहेगी, जानू जाना के पास रहेगी, जाना जानू को सुलाएगा, उसे ढेर सारा प्यार करेगा, उसे ढेर सारी किस्सी करेगा, जानू भी जाना को किस्सी करेगी। समय उसकी हंसी सुन, उसकी बातें सुन, उसके चेहरे की स्माइल और गहरी सो गई। थोड़ी देर समय लड़की से बात कर फोन रख दिया। फोन कट होते ही समय की जो स्माइल थी एक सेकंड में गायब हो गई। अब उसका चेहरा पहले की तरह इमोशनल लेस था। राघव ने जब देखा समय की बात पूरी हो गई, उसने बिना एक्सप्रेशन किसी रोबोट की तरह गाड़ी चलाते हुए बोला, एसएम लोमई बिल से निकल चुकी है, बहुत जल्द हमारी जाल में होगी। समय इमोशनलेस होके, जाल तैयार रखो, इस बार एक जाल में दो शिकार होगे। राघव पहला चूहा अपनी केब में आ चुका है, उसकी खातरदारी भी शुरू हो चुकी है, अब बारी दूसरे की है। समय उसकी बात पर तिरछी स्माइल कर अपने फोन को एक हाथ से गोल गोल घुमा के, खातरदारी में कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना दुनिया हमें दिल वाला समझेगी जो हमें सुट नहीं करेगा। राघव पहला चूहा अपनी केब में आ चुका है, उसकी खातरदारी भी शुरू हो चुकी है, अब बारी दूसरे की है। समय उसकी बात पर तिरछी स्माइल कर अपने फोन को एक हाथ से गोल गोल घुमा के, खातरदारी में कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना दुनिया हमें दिल वाला समझेगी जो हमें सुट नहीं करेगा। राघव समय की बात सुन श्यानी मुस्कुराहट चेहरे पर लाके, कया बोस आप भी अच्छा मजाक कर रहे हैं, हम जैसे बेदिल को कौन ही दिल वाला बोलेगा। आपका नाम सुनते ही अंधवल्द की फट्टी है, वो कया आपको दिल वाला बोलेगे, हम बिना दिल के सही है, वैसे भी हमारी खातरदारी आपकी खातरदारी से कम बेदिल होगी। समय बात चेंज कर, कल एक खास चीज आने वाली है, उसे उसकी सही जगह पहुंचा देना और अफान से बोल दो चार दिन बाद जानू को हेल में लेके आ जाए। राघव जानू का जिक्र सुनते ही हैरानी से, बोस आप सच में उनको यहाँ लाना चाहते हो।
समय एरोगेंट वॉइस में कहूं उसे यहां लाने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेनी होगी जो तू मुझसे सवाल कर रहा है। राघव को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या बोल दिया, उसने तुरंत सर झुका के सॉरी बोस, गलती से जुबान पर कंट्रोल नहीं हुआ। समय रुड टोन में जुबान को कंट्रोल में रख वरना उसकी सजा तू मुझसे बेहतर जानता है। समय की धमकी भरी बात सुन राघव ने कुछ नहीं कहा। आधे एक घंटे में समय की कार हेल में आ गई। राघव कार से उतर जल्दी से समय की साइड का डोर ओपन किया। समय कार से उतर राघव को जाने का इशारा कर हेल में चला गया। हेल के अंदर राहुल वरुण जमीन पर बैठ के तापसी को हंसा रहे थे। दोनों फालतू फालतू जोक्स बोल तापसी के चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश कर रहे थे। तापसी अपने भाई की बातें सुन पेट पकड़ जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी की गूंज पूरे हेल में सुना दे रही थी। हेल में इस वक्त कोई सर्वेंट नौकर गादौस नहीं थे। समय ने राहुल वरुण को हेल के अंदर के सब काम दे के सारे सर्वेंट नौकर गादौस को होल से बाहर के काम दे दिए थे। समय तापसी की हंसी सुन दरवाजे पर ही रुक गया। अपने हाथ फोल्ड कर एक तक तापसी को देखने लगा राहुल वरुण। समय के आने से अनजान तापसी को फालतू जोक सुना रहे थे। राहुल हंसते हुए क्यूटी आपको पता है वरुण की पहली गर्लफ्रेंड उसकी बहन बन गई। तापसी आंखें बड़ी कर वरुण की ओर देख गया। सच्ची दादा भाई की गर्लफ्रेंड वो मेकअप की दुकान उनकी बहन है। राहुल ने तुरंत अपना सर हा में हिला के हा बेबी। तापसी हैरानी से वरुण को देखते हुए कया दादा सच बोल रहे है। वरुण भाई आपकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड आपकी बहन निकली, लेकिन कैसे आपकी तो सिफे में ही बहन हूँ फिर दूसरी कहाँ से आ गई। वरुण जो कब से राहुल को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था क्योंकि उसने उसकी सीक्रेट बात बाहर निकाल दी थी। वो तापसी की बात सुन आंखें छोटी कर राहुल को घूरते हुए बोला और कुछ नहीं मिला जो तूने मेरी सीक्रेट बात बाहर निकाल दी। राहुल दांत दिखा के मुंह से निकल गई। अब बता भी दे मुझे भी ये बात जाननी है कि वो तेरी बहन कैसे बनी। तूने मुझे सिर्फ आधी ही बताई थी कि वो अब तेरी बहन है लेकिन वो तेरी गर्लफ्रेंड थी ना। तापसी क्यूरियस होके हाँ भाई मुझे भी जानना है वो मेकअप की दुकान चीनकांडी आपकी बहन कब बनी। वरुण राहुल को घूरते हुए तापसी को देख जुटी स्माइल कर बोला क्यूटिपाए जाने दो वो बात उतनी खास नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे दादा की बात बताता हूँ कि उन्होंने कैसे एक लड़की को प्रपोज किया था और उसकी सजा में कैसे इसको मुर्गा बनना पड़ा था। तापसी वरुण की बात सुन मुंह खोले कया दादा ने लड़की को प्रपोज किया और उनको मुर्गा बनना पड़ा। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं दादा आपने क्यूटी को क्यों नहीं बताया कि उस लड़की ने आपको मुर्गा बनाया था। मैं उस चुड़ैल को मुर्गी बना देती। तापसी अपने दादा को देखते हुए बोली। राहुल वरुण की पिठ पर मुक्का मार के चिद के बोला कमीने तुझे वो बात अच्छी याद रहती है तू अपनी बात क्यों नहीं बताता कैसे तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे सबके सामने राखी बांधी थी और वो दूसरी वाली ने तो तुझे दम कर समय को पताने की कोशिश की थी लेकिन हमारा राक्षस उसे नहीं पता। वैसे भी वो पता भी कैसे उसे सिर्फ उसकी बटरफ्लाई जो दिखती थी जब देखो तब मेरी बहन को अपने विला ले जाता और उसे पूरा दिन अपने कमरे में रखता खरूस कहका। ओ हेलो आयसा ने मुझे राखी उस चिमकौंडी प्रोफेसर के कहने पर बांधी थी और मैंने भी ना चाहते हुए बंधवाली। फिर मैंने उसे गर्लफ्रेंड छोर बहन की नजरों से देखा। वरुण ने चिद के कहा। राहुल कमर पर हाथ रख आह कमीने इतनी जोर से क्यों मारा कमर तुत जाती तो और वो दूसरी लड़की कया। वरुण गुस्से में उस मिनल ने मुझे चिट किया था वो पहले से समय के लिए लाड तपका रही थी। उसने तो सिर्फ समय के करीब आने के लिए मेरा यूज किया लेकिन जब मुझे उसके बारे में पता चला मैंने उसे तुरंत अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंका। वरुण ने चिढ़ते हुए राहुल को जवाब दिया। और दूसरी बात तो तूने बिल्कुल सही कही कि उस राक्षस को पता नहीं कितनी लड़कियों ने स्कूल कॉलेज में प्रपोज किया होगा लेकिन उसने हमारी क्यूटिपाई के अलावा किसी लड़की को घास तक नहीं डाली। उसी वक्त पीछे से किसी की आवाज आई जो बोल रहा था मेरी बटरफ्लाई जैसी दूसरी लड़की बनी ही नहीं है जो समय मल्होत्रा की सनक बन सके।
आवाज सुन तीनों की नजरें उस ओर चली गई जहां समय अपना एक हाथ जेब में रख चलते हुए तापसी की पिंजरे पास आया। राहुल वरुण समय को देख खड़े हो गए। समय तापसी को बिना इमोशन के देखते हुए कहा, मेरी बटरफ्लाई मेरे बिना काफी खुश लग रही है, लगता है उसे अपना पिंजरा पसंद आया। समय की बात सुन तापसी खड़ी होके अपना सर ना में हिलाने लगी। वो गोल पिंजरे से अपने दोनों हाथ बाहर निकाल समय को इशारा करने लगी, जैसे कह रही हो उसे बाहर निकालो। समय छोटी फिंगर से बाहर के पिंजरे का लोक खोलकर अंदर के पिंजरे का लोक खोला। तापसी लोक खुलते ही समय पर कूद पड़ी। समय तापसी के अचानक कूदने से खुद को संभाल नहीं पाया और दो कदम पीछे होके ब्लेक सलाखों से टकरा गया। तापसी किसी बंदर के बच्चे की तरह समय से लिपट गई। उसने दोनों हाथ उसके गले में और पैर उसकी कमर पर लिपट लिए। समय तापसी को देख उसे कमर से ठीक से होल्ड कर बोला, बटरफ्लाई तुमने मुझे इतना मिस किया। तापसी मासूम सी आवाज में, आप पर वो लड़की लाइन क्यों मार रही थी? समय तापसी की बात सुन हैरान होके, कौन सी लड़की बटरफ्लाई? तापसी वरुण की ओर उंगली कर बोली, वरुण भाई ने कहा था आप पर उनकी गर्लफ्रेंड लाइन मारने की कोशिश कर रही थी। समय उसकी बात सुन उसे थोड़ी देर पहली की सारी बात याद आई जो उसने भी सुनी थी। वो बात याद कर उसने तिरछी नजरों से वरुण को देखा। वरुण समय की नजरें देखते ही डर गया। वो तुरंत राहुल को आगे कर उसके पीछे छुपके कहा, या यार मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो स्कूल टाइम की बात कर रहा था जब वो छिपकली तुझे पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी। समय एरोगेंट वॉइस में, फालतू लोग और फालतू बातें मुझे याद नहीं रहती, मेरे लिए सबसे जरूरी सिर्फ एक चीज है जो मेरी बाहों में है, मेरी इनोसेंट बटरफ्लाई। तापसी समय की बात सुन उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगी। समय भी उसे पैसेनेट नजरों से देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। राहुल वरुण कब का वहां से 9:11 हो चुके थे जब वरुण ने समय की तिरछी नजरों में गुस्सा देखा। उसने वहां से खिसकने में ही भलाई समझी। वरुण राहुल दोनों को डर लगा रहा था कि अगर वो कुछ और देर वहां रुके तो समय उनको छोड़ता नहीं, वो उनको जरूर सजा देता। समय तापसी को ऐसे ही गोद में उठा के कमरे की ओर चला गया। पूरे वक्त समय की नजरें तापसी के चेहरे पर थी। तापसी समय की इंटेंस नजरों को खुद पर महसूस कर अपनी नजरें झुका ली। उसे समय से नजरें मिलाने में काफी घबराहट हो रही थी। समय उसकी झुकी हुई पलके देख तिरछी स्माइल कर बोला, बटरफ्लाई लुक एट मी। उसकी बात सुन के भी तापसी ने अपनी नजरें नहीं उठाई। समय इस बार थोड़ी शक्ति से बोला, जान मुझे बात रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आखिरी बार बोल रहा हूँ, लुक एट मी। समय की शक आवाज सुन तापसी नजरे उठा के समय को देखने लगी। समय तापसी की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी नजरे मुझ पर चाहिए, मैं चाहता हूँ आज पूरी रात तुम सिर्फ मुझे महसूस ही ना करो, अपनी इन छोटी छोटी आंखों से देखो भी मुझे, देखो कि कैसे मैं अपनी बटरफ्लाई को चखता हूँ, कैसे अपनी बटरफ्लाई के हर कोने पर अपनी निशानी देता हूँ। तापसी समय की मदहोशी भरी बातें सुन शम से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गई। समय तापसी को कमरे में ले जाके बिस्तर पर धीरे से लेता दिया, जैसे वो कोई कीमती खजाना हो। तापसी की नजरें पूरे वक्त समय पर थी जो बिना देरी किए उसके ऊपर आ गया। समय धीरे से तापसी के मुलायम होठों पर अपने शक होठ रख दिए। समय तापसी को धीरे धीरे स्मूथली किस करने लगा। तापसी हैरानी से आंखें फाड़े समय को देखती रही। समय आंखें खोल तापसी की आंखों में देखते हुए उसके निचले होंठ को मुंह में दबा के हल्के हल्के बाइट और सक करने लगा। समय के बाइट करने से तापसी को हल्का दर्द भी हो रहा था, जिसे समय अपनी इंटेंस आंखों से देख रहा था। तापसी दर्द से अपनी आंखें मिच रही थी, जिसे देख समय बाइट के साथ उस होंठ पर तेज तेज सक कर रहा था, जिसे तापसी को दर्द में राहत मिले। समय के हाथ तापसी की टोप के अंदर उसकी कमर पर चलने लगे। तापसी अपनी खुली कमर पर उसके हाथ की मूवमेंट देख आंखें और बरी कर समय के हाथ को रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसने अपने हाथ समय के हाथ पर रखे। समय ने जब तापसी को अपने हाथ रोकते हुए देखा तो उसे काफी गुस्सा आया। उसने गुस्से में तापसी के निचले
होत को जोर से काट लिया, जिसे तापसी की जोर से चिख निकल गई। समय ने तापसी की बोदी से उसकी ड्रेस एक झटके में फाड़ दी। तापसी ये देख आंखें फारे समय को देखने लगी। उसने अपने हाथ से अपने सिने को छुपाने की नाकाम सी कोशिश की। समय उसके दोनों हाथ एक हाथ से पकड़ अपने सिर के पीछे कर तापसी के क्लिवेज पर कपड़े के ऊपर से अपने होंठ रख दिए। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।